दोस्तों ये है टीवीएस जुपिटर 125। आप में से एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके पूछा कि भैया मेरे को एक प्रॉब्लम आई है, लो फ्यूल होने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं लेती है। तो आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है जैसे कि PS6 वेरियंट है, तो इसमें आपको कार्बोरेटर नहीं होता है। इसमें कम से कम इसके फ्यूल टैंक में 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल होना जरूरी है। खासकर इस मॉडल में आपको फ्यूल कैप सामने की तरफ देखने को मिलता है और जो इसका टैंक है नीचे की तरफ देखने को मिलता है, इस वजह से आपको फ्यूल बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला है। तो आपको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, तो आप इंडिकेटर से समझ जाइए कि इसमें लो फ्यूल हो चुका है। कम से कम 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल इसमें होना ज़रूरी है। तो इंडिकेटर के जलते ही आपको फ्यूल रीफिल करना है, और इंडिकेटर के जलने के बाद भी अगर आप गाड़ी चलाते रहते हैं, इग्नोर करते हैं और कहीं जाके रास्ते पे गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, तो आपका फ्यूल पंप भी खराब हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आपको इंडिकेटर के जलते ही पेट्रोल रिफिल करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।